ये क्या लिखवा रखा है आपने अपने माथे जी? कट्टर हिंदू। क्यों 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 लिखवाया मैं कट्टर? पहले मैं भी हिंदू था, फिर कट्टर मुझे बनना पड़ा मुस्लिम बन गए कट्टर, तो मुझे ही बनना पड़ा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मुझे तो ले कट्टा बंदूक समझ में आ रहा है, ये कट्टा पढ़ने थोड़ा सा अनपढ़ हूँ भाई मैं, ये कट्टर लिखा है कट्टा मुझे समझ, ये बंदूक का डिजाइन बना है और ये स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा सा बादाम खाओ और दूध पियो फिर मुझे। ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें यार, तब साफ साफ बात क्यों नहीं बोलते हो, घबराते क्यों तुम? बोलो कट्टर हिंदू हैं हम और मुसलमान, ऐसे बोलो। अच्छा। थोड़ा बाड़ी दिखा दो अपनी, देख ले बाड़ी, ऐसे मारेंगे तो मर लेना। पार्टी की नीतियों में मानते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मैं राम को सपोर्ट कर, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, जो राम के लिए बोलेगा मैं उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जो राम का है मैं उसका हूँ। रुको जरा, सबर करो। राम को मानते हो? सच्चे मानते हो मैडम? जब के पास मानते हो? हाँ या ना? हम मानते हैं राम को, राम को मानते हो ना? राम ने सबरी का जूठा खाया था ना? हाँ बिल्कुल खाया था। कोई जातिवाद नहीं ना? बिल्कुल राम ने केवट को अपने बराबर बैठा ला, बिल्कुल बराबर रखा ना। राम ने अपने घर की जो आया, हम लोग जो आया बोलते हैं, मंथरा जो थी वो नौकरानी थी ना, उसके कहने में 14 वर्ष का बनवा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो आज का है कट्टर और सनातन ये कहने की जरूरत क्या है? आज हमारा हिंदुस्तान तब भी था और आज भी, इसमें कहीं ना कट्टर कहाँ से पैदा हो गया? बात सही बात है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है। अरे मुझे राजनीति कट्टर क्यों लिखा तुमने? कट्टर तो कट्टर हो तुम, हिंदू हो, हिंदू पैदा भाई, हिंदू माँ बाप की औलाद हो तो हिंदू हो, इसमें कट्टर लिखने की क्या जरूरत है? किसने कहा तुमने कट्टर लिखने के लिए? अपने बाप का नाम लिखवाते यहाँ, मुझे शंकर बनवाते और क्या सिखाएंगे? जब कट्टर लिखे बंदूक लिखो तो सिखाएंगे तुमको, और कौन सिखाएगा तुमको? तुम्हारे बाप सिखाएंगे, तुम्हारी माँ सिखाएंगे, हम तुमसे बड़े हम तुम्हें सिखाएंगे। एक वो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कहता मेरा बाप चोर है, वैसे लिखा था ना वहाँ पर, तो उसका बाप चोर था तो उसने लिखा था। ये लिखवाने वाली बात है? अरे डूब मरो ऐसी बातें करने से यार, हमें किससे खतरा है बताओ ना? भारत हमारा, हिंदुस्तान हमारा, सनातन धर्म हमारा, हम उसकी रक्षा करने के लिए मर मिटेंगे, बस बात खत्म। सीने में दबा ज्वाला, सीने में रखो ना ये ज्वाला, अपने सीने में रखो। एक तमाचा कोई मारेगा बात हम कर मारो, कह रहे हो कि हम कट्टर हिंदू। गजब बेइज्जती। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो बता दो? हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करते होंगे किस पार्टी को करते हैं? हमने तो अभी फिलहाल बीजेपी को किया था, क्योंकि उसका काम अभी अच्छा लगा मुझे। अब आए ना लाइन पे, राम के लिए बात कर रहा था, राम के लिए काम किया। आ गए ना उसी बात पे कि राम के लिए बात करते हैं मोदी जी। अभी आप कह रहे थे मोदी जी से हमको लेना देना नहीं है, राम को वो क्यों लाएंगे? राम को नहीं लाया है, पर राम की बात तो करता है, राम को उसने नहीं लाया है, मैं भी मानता हूँ राम। ये जो नेता तुम्हें मोटिवेट करते हैं ना, ये केवल केवल आपस में लड़ाने के लिए, कभी भी किसी के इतने दंगे हुए हैं, चाहे जिसकी सरकार रही हो, किसी भी एक नेता को बता दो उसका बेटा मरा हो, कभी मरा किसी के नेता का भाई? क्यों नहीं मरता? क्योंकि उन्हें पता है कि लड़ने मरने के लिए साले बेवकूफ भाई हैं, ये बेवकूफ है। वोट डालना जाना हमारी मजबूरी, तो लाइन लगा, अगर मेरा बस चले तो मैं वोट डालने भी ना जाऊं। जीत के मजा वो लेते हैं, तुम्हें लिखवा देते कट्टर हिंदू। मानते हैं कि मोदी जी धर्म की राजनीति करते? धर्म की राजनीति धर्म से होता है? राजनीति क्या है? राजनीति धर्म से होती है, राजनीति धर्म ही है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? राजनीति क्या है? जो सही मंदिर के अलावा और क्या लगता है, क्या काम करते हैं? धर्म है, जो गलत है तो अधर्म है। राजनीति करना, राजनीति अगर सही से करोगे तो वो धर्म है बन जाता है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। राजनीति लिखा उसमें, धर्म नीति लिखा है, धर्म नीति लिखा है उसमें।